शासन के आदेश से आज मैंने यहाँ पे मंडलायुक्त वाराणसी का पदभार ग्रहण किया है और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ये पोस्ट वाराणसी में हमें मिली है और काशी की, वाराणसी की और अब तो वाराणसी मंडल की सेवा करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। वाराणसी बहुत ही संवेदनशील शहर, जनपद और कमिश्नरी होने के साथ साथ एक प्रगतिशील और विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से अग्रसर कमिश्नरी भी है। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ जो चल रहे हैं वो उदाहरण स्वरूप सबके सामने ही हैं। अब उन्हीं की गति को और तेज़ करना और जो पिछले अधिकारियों ने जो काम जिस तेज़ी से बढ़ाया था उसी के अनुरूप आगे कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए, सारे जनपदों के बाकी जिलाधिकारी और बाकी कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए इस कमिश्नरी को और आगे लेके जाना है। और आज के दिन हम सब लोगों ने मिलके कमिश्नरी में जो अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मिलके यही प्रण लिया है कि इस कमिश्नरी को हम लोग सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रदेश में कोशिश करेंगे, चाहे वो जनता की तकलीफों का हो, चाहे वो जन शिकायतों का हो, चाहे वो राजस्व के कार्यों का हो, विकास के कार्य का हो या जो हमारी स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं उनका हो। इन रूटीन की स्कीम्स के अलावा जो नए आयाम छूने हैं काशी को उसकी तरफ भी विशेष ध्यान रहेगा। काशी जो जनपद है उसके जो आगामी आने वाले त्वरित जो हमारे कार्यक्रम हैं उनकी तरफ विशेष हम लोगों का काम अभी से शुरू हो गया है। देव दीपावली का त्यौहार हमारे सामने है, इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चरल कैपिटल सिटी बनी है उसके कार्य चालू हो गए हैं, G20 जो सम्मेलन होने हैं उसका कार्य है, GI कॉन्क्लेव जो अभी 18 तारीख से ही शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां हों, या अन्य प्रकार की जो भी कार्यक्रमों की तैयारियां हैं उन सबको गति देना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे काशी विश्वनाथ धाम का कार्य हो, या नमो घाट के स्मार्ट सिटी के जुड़े हुए कार्य हों, या हमारे VDA से जुड़े हुए बड़े कार्य हों, उन सबको भी और तेज़ी से आगे लेके जाना है। पूर्ववर्ती जो हमारे अधिकारी थे, कमिश्नर सर ने हमेशा ही गाइडेंस दे के हमसे काम करवाया है, उसी गाइडेंस के अनुरूप ही हम आगे भी काम करेंगे और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि वो जिस तेज़ गति से काम करके गए हैं वैसे ही काम चलता रहे। यहाँ की टीम हमारी ऑलरेडी सोची समझी हुई है और पुराने सारे अधिकारी हमारे साथी रहे ही हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी होने की वजह से अब स्टेबिलिटी और जो चीज़ों को समझने के लिए समय चाहिए उसमें समय नष्ट नहीं होगा, वो तत्काल ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। और इन सबके सहयोग से और शहरवासियों का जो सहयोग हमेशा रहता है, उनके सहयोग से, जो हमारे मीडिया कर्मियों का सहयोग रहता है, इन सब के सहयोग से हम लोग काशी को एक नया आयाम पर लेके जाएंगे। और जो भी वाराणसी के अलावा जनपद वाराणसी कमिश्नरी में है, अच्छी बात तो ये है कि क्योंकि वाराणसी कमिश्नरी हेडक्वार्टर होने की वजह से मैं यहाँ जिलाधिकारी था तो सारे DMs हों, चाहे CDO हों, ADMs हों या अधिकारी हों, उनसे यहाँ मंथली समीक्षा बैठक में लगातार मुलाकात होती ही थी। समीक्षा बैठकों में मैं खुद मौजूद रहता था तो उन ज़िलों में भी कैसा कार्य चल रहा है इसकी भी मुझे पूरी जानकारी है। जो विकास के जितने कार्य होते हैं वो सारे जो जो प्रगति पे हैं उनके साथ साथ जो राजस्व परिषद के कार्य हैं या जो 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के कार्य हैं लगभग उनकी भी मुझे जानकारी है। जो एक DM है वो तो यहीं से VC से प्रमोट होके गई हैं और इसके साथ जो दूसरी भदोही में DM थी वो यहाँ SDM रही हुई हैं तो वे लोग भी जान पहचान के ही हैं। और जौनपुर के DM साहब काफ़ी पुराने हैं, वो पहले मेरे दूसरे मंडल में साथी रहे हैं, तो कुल मिला के सारे लोग परिचित हैं। और मंडलों की विकास, जनपद मुख्यालय वाराणसी का कमिश्नरी मुख्यालय का DM होने के नाते मैं इनसे टच में रहा हूँ पिछले 3 वर्षों में, तो ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं। फिज़िकली जाके कुछ चीज़ें करनी होती है ताकि वहाँ के प्रोजेक्ट देख सकें, वहाँ के लोगों से मिल सकें और वहाँ के कर्मचारियों से जो बाकायदा रूबरू होना चाहिए वो तो जाके ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीक से इन जनपदों का विजिट भी शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 जनपदों की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है, खाली चंदौली जनपद उनमें से एक बचा है, उसकी भी समीक्षा होने वाली है, तो उसके सारे प्रोजेक्ट्स हमने मंगा भी लिए हैं, उसकी तैयारी भी पूरी है। जब भी उनका विजिट होगा 10 दिन में बाकायदा जाके हम लोग वहाँ का निरीक्षण भी कराएंगे। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, सारा सामंजस्य के माध्यम से हम लोग कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जैसे वाराणसी की एक अच्छी टीम बनी हुई है वैसे ही पूरे कमिश्नरी की टीम बना के काम करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।